Hi guys, do you want to be an investor? क्या आप ऐसे इन्वेस्टर बनना चाहते हैं जिसके पोर्टफोलियो में बहुत सारे मल्टीबैगर स्टॉक्स हो, ऐसे स्टॉक्स जो मल्टीफोल्ड हो चुके हैं? So दोस्तों, कुछ ऐसी आदतें हैं सभी, ऑलमोस्ट सभी सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स की, जो वो सभी लोग फॉलो करते आए हैं, जिसकी वजह से आज वो इतनी सक्सेस इन्वेस्टमेंट के होराइजन में, इन्वेस्टमेंट के फील्ड में अचीव कर पाए हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं ऐसी कुछ आदतें जो आप अपने अंदर डालकर एक अच्छे सक्सेसफुल इन्वेस्टर होने की प्रोबेबिलिटी अपने खुद के लिए इंक्रीज कर देंगे। अगर आपको बड़ा इन्वेस्टर बनना है तो कुछ चीजें आपको सर्टेनली याद रखनी पड़ेंगी। दोस्तों, मैं पिछले 15 से ज्यादा सालों से स्टॉक मार्केट में एक्टिवली इन्वेस्ट कर रहा हूं और इन कुछ आदतों की वजह से मुझे बहुत अच्छे अच्छे शेयर्स मिले हैं जो आज कई गुना हो चुके हैं पिछले 10 सालों के अंदर, पिछले 5 सालों के अंदर या फिर पिछले 15 सालों के अंदर। पहली सबसे इंपॉर्टेंट आदत जो किसी भी इन्वेस्टर में रहती है वो रहती है सेविंग करने की। ये इन्वेस्टर्स, जितने बड़े इन्वेस्टर्स से मैं मिला हूं, जितने भी लोगों से बात हुई है, जिनके बारे में मैंने पढ़ा है, ये सभी लोगों के बारे में एक चीज बहुत कॉमन देखने को मिली, ये सभी लोग एक्स्ट्रा पैसे स्पेंड नहीं कर रहे हैं। हम में से ज्यादातर लोग मंडे टू फ्राइडे काम करके फ्राइडे शाम या सैटरडे शाम को पार्टी करने निकल जाते हैं और लगभग हमने पूरे हफ्ते में जितना पैसा कमाया था, हम इसका बहुत बड़ा पोर्शन वीकेंड पे स्पेंड करके आ जाते हैं। लेकिन ये बड़े इन्वेस्टर्स आर वेरी वेरी गुड सेवर्स, दे आर वेरी थॉटफुल अबाउट वेयर दे आर स्पेंडिंग देयर मनी, क्योंकि यहां से पैसा बचेगा तभी तो इस पैसे को वो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट में लगा पाएंगे और इसको ग्रो कर पाएंगे और यहां से पैसा निकालकर वो इस पैसे से पार्टी कर सकते हैं। लेकिन अपनी डायरेक्ट इनकम को, अपनी एक्टिव इनकम को अगर वो अभी स्पेंड कर देंगे तो ये पैसा उनके लिए कभी पैसा नहीं कमा पाएगा। ये चीज मैंने उनसे सीखी है। तो पहला, यू नीड टू बी वेरी वेरी थॉटफुल स्पेंडर, यू हैव टू बी एक्चुअली अ वेरी बिग सेवर। दूसरा, दीज आर अमेजिंग रीडर्स, एज इन ये हमेशा कोई ना कोई बुक पढ़ रहे होते हैं। कुछ बुक जिन्होंने मेरी जिंदगी बदली, जिन्होंने मुझे बिजनेस को या बिजनेसमैन की तरह सोचने का जरिया दिया, बिजनेस को एनालाइज करने का नया थॉट दिया, नया तरीका दिया, उनमें से कुछ बुक्स मैं आपके सामने मेंशन करता हूं। फॉर एग्जांपल, एक बुक है द धंधो इन्वेस्टर बाय मोनीश पबरई। इस बुक ने मुझे सिखाया कि किस तरीके से आपको एक बिजनेसमैन की तरह सोचना है। एक बिजनेसमैन वो होता है जो अगर कभी लॉस लेगा किसी बिजनेस में तो लॉस के चांसेस बहुत कम होंगे, लॉसेस बहुत छोटे होंगे, लेकिन इसी बिजनेस में प्रॉफिट्स और प्रॉफिटेबिलिटी बहुत बढ़िया हो सकती है, बहुत शानदार हो सकती है। इसका मतलब आपको ऐसी इन्वेस्टमेंट करनी है जिसमें लॉस या लॉस होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम रहे जबकि प्रॉफिटेबिलिटी और प्रॉफिट्स बहुत ही बड़े बड़े रहे। ठीक उस तरीके से और भी बहुत सारी बुक्स हैं, फॉर एग्जाम्पल रिच डैड पुअर डैड का नाम आई एम श्योर आपने सुन रखा होगा, द कॉफी कैन इन्वेस्टिंग, जो आपको ये बताती है कि किस तरीके से आप बेसिक बिजनेस की फिलॉसफी को फॉलो करके आप जिंदगी में बहुत पैसा कमा सकते हैं, जहां पर आपको बार बार अपने पोर्टफोलियो को देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। द वॉरेन बफेट वे, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, ऐसी कुछ बुक्स हैं जो आई एम श्योर आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। कॉमन स्टॉक्स अनकॉमन प्रॉफिट, इनमें से एक बहुत ही खास बुक है, अगर आपने इसका नाम अभी तक नहीं सुना है, आई वुड स्ट्रॉन्गली रिकमेंड यू आप इस बुक को परचेज कीजिए और इसको पढ़ना शुरू कीजिए। दिस बुक कैन एक्चुअली चेंज योर लाइफ। सो सेकंड हैबिट दैट दीज पीपल फॉलो इज अबाउट द रीडिंग, दे रीड अ लॉट, सो दे सेव अ लॉट, दे रीड अ लॉट। तीसरी हैबिट जो ये फॉलो करते हैं वो होते हैं दूर की सोचना। ये लोग अगले हफ्ते का नहीं सोच रहे हैं, ये लोग अगले महीने या अगले साल का नहीं सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि मेरा देश अगले 50 साल के बाद कैसा दिखेगा। अगर अगले 50 साल वाले देश को आप देख पा रहे होंगे जहां पर एक के ऊपर एक फ्लाईओवर जा रहा होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ये फ्लाईओवर्स कौन बना रहा है, ये वो सोच रहे हैं। ये नहीं सोच रहे हैं कि अभी फ्लाईओवर कहां पर बन रहे हैं, ये नहीं सोच रहे हैं कि आज इंडिया में प्राइमरी एजुकेशन या फाइनेंशियल लिटरेसी किस लेवल पे है, ये सोच रहे हैं अगले 50 साल के बाद कैसी होगी, ये उसको देखकर आज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर आपके लिए अभी 50 इयर्स दूर लगता है तो अब अगले 10 साल का सोचिए, लेकिन दूर का सोचिए। फोर्थ एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट हैबिट विच आई हैव नोटिस्ड विच इज कॉमन इन ऑल द ग्रेट इन्वेस्टर्स इज दैट दे ऑलवेज थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। वो कॉमन जनता से, वो कॉमन लोगों से, अपने आसपास वाले लोगों से हटकर सोच रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक कंपनी के शेयर्स लगातार गिरते जा रहे हैं और हम सब लोग पैनिक में हैं, लेकिन ये इंसान ये सोच रहा है कि क्या ये कंपनी सरवाइव कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, अगर कर पाएगी तो डोंट यू थिंक इसको बाय करने का टाइम है। ही प्लेसेस हिज ऑड्स इन हिज फेवर अगेंस्ट हिम कि क्या मुझे इस कंपनी में बेट करना चाहिए। ही डजंट गेट कैरिड अवे बाय द हर्ड बिहेवियर।
फॉर एग्जाम्पल इंडिया में एक बैंक के शेयर प्राइसेस लगातार गिरते जा रही हैं, वो 400 से गिर के 200 से गिर के 100 पे, 100 से गिर के 50 पे, 50 से गिर के 20 पे आ गए हैं। ये इंसान ये सोच रहा है कि जहां पर लोग 200 पे इसको बेच रहे हैं, क्या मुझे ये शेयर 20 रुपए का मिलेगा, इसको मैं बाय करना चाहता हूं, रीजन भी क्या मेरा सेंट्रल बैंक इस बैंक को बैंकरप्ट होने देगा। सो वो आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहा है, वो दूर की सोच रहा है, वो हर्ड बिहेवियर में नहीं फंस रहा है, वो बहुत बड़ा सेवर है और वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही कंसिस्टेंट रीडर है। और इंटरेस्टिंगली दोस्तों, ये सारी आदतें डेवलप की जा सकती हैं थ्रू रीडिंग, थ्रू अटेंडिंग मेनी कोर्सेज इन द फाइनेंशियल मार्केट्स, थ्रू अटेंडिंग मेनी ऑफ दीज वर्कशॉप्स ऑन द स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग। सो आई एम वेरी श्योर बाय फॉलोइंग ऑल दीज हैबिट्स, आप भी आने वाले वक्त में एक बहुत ही सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनेंगे, जिनके पोर्टफोलियो में ऐसे बहुत सारे शेयर्स होंगे जो मल्टीफोल्ड हो चुके हैं पिछले 10 साल के अंदर। विश यू अ वेरी वेरी बेस्ट इन बिकमिंग अ वंडरफुल इन्वेस्टर, बट मेक श्योर दैट यू फॉलो ऑल दीज हैबिट्स। इनमें से कौन सी हैबिट आप सबसे पहले फॉलो करना चाहेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू।